बच्चों कैसे हैं। आज मैं आपको चैप्टर वन की एक्सरसाइज वन बी का जो क्वेश्चन दूसरा है उसका क्वेश्चन दो से जो है आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन वन तो मैंने आपको से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बता दिया था, मैंने समझा दिए थे। क्वेश्चन टू का पहला देखिए, माइनस 3/4 और 3, इसको जो है हमें जोड़ के बताना है और ये बताना है कि योगफल परिमेय संख्या होगी कि नहीं। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, माइनस 3/4 और यहाँ पर हर को बराबर कर लेंगे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ आएगा 4 × 3 = 12/4, हर समान हो गया, हर समान है, यहाँ 4 लिख दिया, माइनस 3 + 12 तो कितना आएगा यहाँ पर 9/4। 9/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन दो ये आप होमवर्क ले लीजिए, आप करेंगे। क्वेश्चन तीन, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। दोनों पक्ष, एक पक्ष ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा है राइट हैंड साइड, दोनों को हल करके बताना है दोनों का मान कितना आएगा। ठीक है, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये ले ली हमने, ठीक, इसको हमने 8 और 13 का डाटा लेंगे तो 104 आएगा। ठीक है, जब 104 को 8 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, तो 13 की मल्टीप्लाई -5 से होगी। ठीक है, फिर 104 को 13 से काटेंगे तो कितनी बार, 8 बार जाएगा। ठीक है, उसकी 9 से -9 से अंश से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस प्रकार से लाशा लेके भी आप जो है जोड़ सकते हैं परिमेय संख्याओं को। तो 13 × 65, 8 × 72, -72, -, दोनों सेम चिन्ह से जुड़ जाएंगे, 137/104 आएगा। फिर हमने राइट हैंड साइड ले ली, ये उतारी है, इसको भी 13 और 8 का लाशा 104 आएगा। ठीक है, और जब 104 को 13 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 × -9 से होगी जो अंश है -9, यहाँ पर अंश -5 है, ये उतार लिया, और 104 को 8 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 की मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगी। तो 8 × 72 और 13 × 65 दोनों को जोड़ेंगे तो 137/104 आएगा। ठीक है, दोनों साइडों का मान कितना आया, 137/104, ठीक है, जो कि 70 है। यही हमें सत्यापित करना था, दोनों की वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है बाकी क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन तीन के आप होमवर्क में जो है करेंगे। ठीक है, जो भी इसके आगे आप क्वेश्चन चार देखें, a + b का मान -15/11 है तो b + a का मान ज्ञात करना है। तो आपने, मैंने आपको एक नियम बताया था योग के क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है, बताया था कि उसमें क्रम बदलने पर जो है योगफल समान रहता है। ठीक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। तो a + b को जब जोड़ा है तो -15/11 आया, तो b + a करके जोड़ेंगे तब भी -15/11 ही आएगा योग के क्रम में प्रगुण से। अब क्वेश्चन पाँच जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन छः सरल करें, इनको जोड़ करके सरल करना है। ठीक है, तो 4 ± - इसका कर लिया, 4 × 9 = 72 आएगा। ठीक है, तो 3 × 18, 8 × 8, 5 × 9, तो नीचे 4 × 9 = 72 आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कर से 18 बार 8 बार 9 बार जी 35/72 आएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, योग की संख्या का प्रयोग करके हल करना है। तो इसको जिसमें हर बराबर, पहले उसको हमने बड़े क्वेश्चन में ले लिया। ठीक है, इनको इनको इनका हर समान है तो यहाँ 14 आएगा ऊपर, -5 = -16। ठीक है, ±, यहाँ पर क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, यहाँ 14 यहाँ पर भी 14, चाहे हम इस प्रकार से लाशा लेके कर लें चाहे हर को बराबर करके कर लें। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 − 16/14। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, इधर थोड़ा सा यह है, तो 7 × 14 हो गए, यहाँ पर 14 × 1 = 14, यहाँ पर 6 × 16/14 हो गया, तो यही आया। ठीक है, 6 − 16/14, तो
तो जब 6 में से 16 को घटाएंगे तो -10/14 आएगा। जब इसको काटेंगे, सरल करेंगे इसको, तो आएगा -5/7। यही इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन 7 का दूसरा, ये आप होमवर्क ले लें, ठीक है, इनको करेंगे, ठीक है। और कोई समस्या अगर आती है तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड करके समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, आज इतना ही, धन्यवाद।